दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में देव समाज स्कूल के अध्यापकों ने स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ मोर्चा खोला है, जिसके चलते उन्होंने आज स्कूल में ताला लगाकर धरना दिया। अध्यापकों का आरोप है कि प्रिंसिपल की मनमानी और दुर्व्यवहार के कारण स्कूल का माहौल बिगड़ा हुआ है, जिसके चलते अध्यापकों ने ये कदम उठाया है। आपको बता दें कि देव समाज स्कूल के अध्यापकों का आज दूसरा दिन है, जिसमें सुबह से ही देव समाज स्कूल के अध्यापक धरने पर बैठ गए हैं। स्कूल के प्रिंसिपल शारदा शर्मा को प्रिंसिपल के पद से हटाने की मांग की जा रही है। मेरा नाम धनवीर यादव है, मैं PGT HOD फिजिकल एजुकेशन देव समाज स्कूल के अंदर पिछले 12 साल से काम कर रहा हूँ। अभी जैसे कि आप लोगों ने देखा है, बहुत बड़ा इंटरनेशनल इशू बना था, प्रद्युमन वाला केस था। अभी स्कूल के अंदर फर्स्ट एड के नाम पे कुछ भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं, और पिछले दिनों एग्जाम डेज थे, हम लोगों ने बहुत प्रॉब्लम्स फेस की। हम लोगों ने ऊपर आके मैनेजमेंट को बताने की कोशिश की, प्रिंसिपल को बताने की कोशिश की, मैनेजर मैडम को तक मैसेज पहुँचाने की कोशिश की कि कम से कम स्कूल के अंदर जो सुविधाएं हम बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि एग्जाम डेज में सभी पेरेंट्स मैक्सिमम 100% बच्चों को अपीयर कराने की कोशिश करते हैं और बीमार हो जाते हैं, तो उन लोगों को जो वेरा पहला जो घंटा होता है, जो फर्स्ट एड उनको मिलना चाहिए स्पोर्ट्स खेलते वक्त, या एग्जाम डेज में बीमारी के दौर में भी बच्चे यहाँ स्कूल में आए हैं, उनको किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं दी गई। अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता? हम लोगों ने इस सब चीज़ों को देखते हुए कई बार उन लोगों से अप्रोच की, उसके लिए सॉल्यूशन मांगा, लेकिन बोले कि ये आप लोगों का मैटर नहीं है, ये हम अपने आप अपने लेवल पे देख लेंगे। तो ये बहुत बड़ी चूक है बच्चों के लिए, और जब भी हम लोग बच्चों के रिगार्डिंग कोई भी किसी भी तरीके की सुविधा और फैसिलिटी की बातें करते हैं, उसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। और यहाँ पर हम लोग जो बैठे हैं वो बच्चों के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए और उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हम कंसर्नड है कि आगे किस तरीके से उनको बढ़ाया जाए। इवन यहाँ तक कि अगर आप अंदर जाके देखते हैं, स्कूल के अंदर इतनी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज हैं, लेकिन उनका प्रॉपर से यूज नहीं किया जा रहा है। मैनेजमेंट से हमारी बात हुई, वो ये कह रहे हैं कि इनका फीस का कोई मैटर है, तो SSL वो आप लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। अगर सैलरी का मैटर होता तो पिछले 6 महीने से हम लोग सफर कर रहे हैं, हम लोग पिछले 6 महीने से रोड पे मिलते हैं आप लोगों को। यहाँ पर ये है कि हम लोगों ने काम करने का बहुत ज़्यादा कोशिश की है, बच्चों के लिए काम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम लोग वो बच्चों को फैसिलिटी उस तरीके की सेफ्टी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि जब इसका पूरा प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन हो जाए, उसके बाद ही हम उस काम को आगे जारी रखेंगे। आई एम नीलम कुलश्रेष्ठा एंड हैव बीन वर्किंग फॉर द लास्ट 14 ईयर्स इन दिस स्कूल। हम ये जो प्रोटेस्टेशन कर रहे हैं 2-3 दिन से, मैं 2-3 दिन तो नहीं कहूँगी, हमें काफ़ी अरसा हो गया है प्रोटेस्टेशन करते करते, ये तो अभी हम 2-3 दिन से यहाँ बैठे हैं स्कूल के बाहर। और हमारा मेन मकसद है कि ये जो प्रिंसिपल हैं शारदा शर्मा, ये कुर्सी छोड़ें, ये रिटायर हो चुकी हैं, रिटायरमेंट के बाद इन्होंने 2 साल का एक्सटेंशन ले लिया है एंड स्टिल शी इज ऑन द चेयर। आज वो पहले भी कैसा विवाद हुआ था, तब भी आप लोगों ने ऐसे ही प्रोटेस्ट किया था, तो उसका कोई हल नहीं निकला? नहीं, उसका अभी कोई हल नहीं निकला है, वो कोर्ट केस चल रहा है। लेकिन अब ये है हमारा मकसद, इतना हैरेसमेंट ये लोग कर रहे हैं, ये इन्होंने बाउंसर्स रख लिए हैं, हमारे टीचर्स के पैर तोड़ने की बात हो रही है, हमारे टीचर्स को उठवाने की बात हो रही है। इवन हम अपने स्टूडेंट्स के इतने लिए वरीड हैं कि कैसे हम करें, क्योंकि जब हमको इतना हैरेस किया जा रहा है तो हाउ कैन वी वर्क, हाउ कैन वी टीच द स्टूडेंट्स। ये हमारा मकसद है, ये कुर्सी छोड़े, इनको जरा भी नॉलेज नहीं है कि हाउ टू रन द स्कूल। अभी ये स्कूल में बच्चे वगैरह आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? नहीं, अब इन्होंने अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस करके इन्होंने 2 दिन की छुट्टी डिक्लेयर कर दी है, और लेकिन हमारा स्टाफ यहाँ प्रोटेस्टेशन पर बैठा हुआ है, और भी यहाँ के बाद भी हम इतने रात दिन यहाँ पर वर्क कर रहे हैं इस चीज के लिए, लेकिन ये कुर्सी नहीं छोड़ रही है। इनके रहने से हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। क्या लगता है, बच्चों का भविष्य भी इसमें खराब हो रहा है, पढ़ाई को लेकर? बिल्कुल बर्बाद हो रहा है बच्चों का भविष्य। आप ये देखिए कि हमारे ये नॉर्म्स हैं हरियाणा गवर्नमेंट के कि 58 ईयर्स पे रिटायर कर देते हैं, और रिसेंटली इन्होंने हमारे एक मेडिकल डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को इन्होंने रिटायर किया, और जिस दिन उनका बर्थडे था उसी दिन उनको फोन कर दिया कि आप आएंगे नहीं विदाउट नोटिस। फिर ये कैसे 58 के बाद बैठी हुई है चेयर पर, स्टिल 60 इयर्स की वो चेयर पर। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनके अंडर गाइडेंस में स्कूल डेवलप कर ही नहीं रहा, क्योंकि इनको किसी भी तरह की कोई नॉलेज नहीं है। मैं ऐसे घर PGT केमिस्ट्री हूँ यहाँ पर। आज इसलिए आप लोग ये स्ट्राइक कर रहे हैं, और कितने स्टाफ के? ठीक है, सारा स्टाफ हमारे साथ है। टीचर्स के विरुद्ध षड्यंत्र पिछले 6-7 महीने से जो वर्तमान स्टाफ मैनेजमेंट है वो कर रही है, उनको लगातार टॉर्चर किया जा रहा है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसीज रची जा रही है उनके खिलाफ, थ्रेट किया जा रहा है उनको सपोर्ट करने के लिए। प्रिंसिपल रिटायर हो चुकी हैं, उसके बावजूद भी अपना
जो कुर्सी है वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो जो शुरू है या बंद कर दिया गया? नहीं, स्कूल अब अथॉरिटी ने बंद किया हुआ है और जो मैनेजर जो इनको टर्मिनेट किया गया है सोसाइटी ने, वो अभी भी स्कूल को होल्ड किए हुए हैं। टीचर्स को लगातार डराया धमकाया जा रहा है पिछले 6 महीने से। हमारे एक बहुत ही सज्जन टीचर्स पर मोलेस्टेशन का झूठा आरोप लगाया गया पिछले महीने। पूरे स्टाफ ने उसका विरोध किया और अब ये हद हो गई कि टीचर्स को अंदर बंदी बना रखा है, इन्होंने जेल बना दिया स्कूल को। टीचर को लॉक कर देते हैं अंदर और उल्टे सीधे सर्कुलर पास करते हैं, ये टॉर्चर है इस टीचर के खिलाफ। तो अभी मैनेजमेंट से क्या बात हुई है? मैनेजमेंट से हमारा यही सबमिशन है कि जब तक ये नहीं जाएंगे, कुर्सी छोड़ेंगे, और हमारे ऑलरेडी सोसाइटी ने हमारे श्री सुधीर सर को प्रिंसिपल अपॉइंट कर दिया है, हम उनके अंडर काम करेंगे, हम इनके अंडर काम नहीं करेंगे। क्योंकि इनके कुर्सी पे वही स्कूल प्रबंधन की तरफ से अभी इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। स्कूल प्रिंसिपल की माने तो उनका कहना है कि वह स्कूल में नियमों के तहत काम कराती है और कुछ अध्यापकों को यह अच्छा नहीं लगता, जिसके कारण वह उनका विरोध कर रहे हैं।